इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आलीशान होटल्स हैं, जहां पर्यटन के दौरान यात्री अपनी सहूलियत और आराम के लिए ठहरते हैं। विश्व के लगभग हर देश में एक न एक लग्जरी होटल जरूर होता है, जहां अमीर परिवार के लोग और सेलिब्रिटीज ठहरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा होटल भी है जो बहुत ही आलीशान है, पर आज तक उस होटल में एक भी गेस्ट नहीं ठहर पाया है। आखिर कहाँ है दुनिया का ये रहस्यमय होटल और क्या है उससे जुड़ी दिलचस्प कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। राइजयोंग होटल। यूं तो दुनिया भर में बहुत सारे आलीशान और लग्जरी होटल हैं, जहां ठहरने वाले गेस्ट के लिए बेहतर रेस्टोरेंट्स, बार, सैलों, जिम और स्विमिंग पूल जैसी सुविधा होती हैं। हर 5-स्टार होटल में ठहरने वाले गेस्ट को रेंट के रूप में मोटी रकम भी अदा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से होटल मालिकों और देश की सरकार की काफी कमाई हो जाती है। लेकिन आज हम आपको उस बदनसीब होटल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी दहलीज पर एक भी गेस्ट ने कदम नहीं रखा है और ये होटल बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। हम जिस आलीशान लेकिन लोगों से बिल्कुल तन्हा होटल की बात कर रहे हैं, उसे राइजयोंग होटल के नाम से जाना जाता है। ये आलीशान होटल नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में है, जिसका डिजाइन काफी हद तक पिरामिड से मिलता है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस होटल की किस्मत आखिर इतनी बुरी क्यों है, क्योंकि ये होटल दुनिया के सबसे अजीब और तानाशाही वाले देश में है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया दुनिया के सामने खुद को एक लोकतांत्रिक देश बताता है, लेकिन इस देश में लोकतंत्र की झलक तक देखने को नहीं मिलती है। उल्टा साल 1948 से लेकर अब तक, यानी लगभग पिछले 70 साल से नॉर्थ कोरिया की सरकार को एक ही परिवार के सदस्य चला रहे हैं, जिसकी तीसरी पीढ़ी यानी किम जोंग उन इस वक्त सत्ता में है। किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभालते ही ऐसे कड़े नियम कानून लागू कर दिए थे कि उनका पालन करना स्थानीय लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से ये देश तानाशाही का गुलाम है और यहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर जबरदस्ती सरकार के नियम कानून थोप दिए जाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के लोगों का जीवन बहुत ही मुश्किल भरा होता है। इस देश के नागरिक खुद अपनी इच्छा से खुलकर जी नहीं सकते हैं और ना ही अपनी पसंद के कपड़े पहन सकते हैं। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के शासक ने देश के लड़कों के लिए हेयर स्टाइल भी लागू किए हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के लड़कों को सरकार द्वारा जारी किए गए हेयर स्टाइल में से ही बालों की कटिंग करवाने की इजाजत है। 36 साल पहले यानी साल 1987 में नॉर्थ कोरिया के तत्कालीन शासक ने देश में एक आलीशान होटल बनाने का फैसला किया था, जिसे राइजयोंग या यू क्योंग होटल के नाम से जाना जाता है। इस होटल की कुल लंबाई 330 मीटर है, जबकि इसमें टोटल 105 फ्लोर्स हैं, जिसमें 3000 लग्जरी कमरे बनाए गए थे। नॉर्थ कोरिया में बहुत ही सख्त कानूनों का पालन किया जाता है, जो आम नागरिकों के साथ साथ पर्यटकों के ऊपर भी लागू होते हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में सालाना सिर्फ 3 लाख पर्यटक घूमने के उद्देश्य से जाते हैं। ये आंकड़ा उसके पड़ोसी देश यानी साउथ कोरिया से बहुत ही कम है। सवाल खड़ा होता है कि आखिर नॉर्थ कोरिया में इस आलीशान बिल्डिंग को बनाकर तैयार ही क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ पर्यटकों की संख्या ना के बराबर होती है। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के दूसरे देशों के साथ भी संबंध कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, इसलिए यहाँ व्यापारिक या किसी अन्य प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी नहीं होता है। जब नॉर्थ कोरिया में बड़ी हस्तियाँ आती ही नहीं है, तो इस आलीशान होटल को बनाने के पीछे क्या मकसद था? इस होटल की नींव रखे जाने का ताल्लुक साल 1986 से जुड़ा हुआ है, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया सोवियत संघ का साथ दे रहा था, जबकि इसका पड़ोसी देश साउथ कोरिया अमेरिका की तरफदारी कर रहा था। शीत युद्ध के दौरान भले ही हथियारों के जरिए जंग ना लड़ी गई हो, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ का साथ देने वाले देशों के बीच शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा था। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, जो हर क्षेत्र में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए थे। साल 1986 में साउथ कोरिया की एक कंपनी ने सिंगापुर में उस दौर का सबसे लंबा और आलीशान होटल बनाकर तैयार किया था, जिसे स्टैमफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। वहीं साउथ कोरिया साल 1988 में ओलंपिक गेम्स की मेजबानी भी कर रहा था, जिसकी वजह से उस दौर में चारों तरफ साउथ कोरिया की वाहवाही हो रही थी।
नॉर्थ कोरिया के शासक ने साउथ कोरिया से मुकाबला करने के लिए साल 1989 में अपने यहाँ एक गेम का आयोजन किया था, जो काफी हद तक ओलंपिक गेम्स की कॉपी था। इस गेम में दुनिया भर के लगभग 22,000 खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले थे, जिनके भव्य स्वागत के लिए शहर के एयरपोर्ट को बड़ा बनाया गया था, जबकि सभी खिलाड़ियों और पर्यटकों के ठहरने के लिए एक आलीशान होटल बनाने का फैसला किया गया था। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया में गेम के आयोजन के लिए एक बड़े से स्टेडियम को बनाकर भी तैयार किया जाना था, ताकि हर तरफ नॉर्थ कोरिया की वाहवाही हो सके। राइजियोंग होटल का पिरामिड शेप का डिजाइन बनाकर तैयार किया गया, जिसे नॉर्थ कोरिया के शासक ने मंजूरी दे दी और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े होटल को बनाने का काम शुरू कर दिया गया था। इस होटल को बनाने का काम साल 1987 में ही शुरू हो गया था, जिसे दो साल के अंदर साल 1989 तक किसी भी कीमत पर पूरा करना था। लेकिन नॉर्थ कोरिया के शासक को ये जानकारी नहीं थी कि वो जिस होटल को बनाने के लिए इतना उत्साहित हैं, असल में वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। नॉर्थ कोरिया के पास बिल्डिंग बनाने के लिए स्टील नहीं था, लिहाजा इंजीनियर्स की टीम ने कंक्रीट की मदद से कंस्ट्रक्शन के काम को पूरा करने का फैसला लिया। यही वजह थी कि होटल की बिल्डिंग का डिजाइन कोन या पिरामिड के शेप में तैयार किया गया था, जिसके हर एक कोने को 75 डिग्री के एंगल में जमीन से जोड़ा गया था, ताकि बिल्डिंग को पर्याप्त मजबूती मिल सके। इतना ही नहीं, होटल के टॉप फ्लोर पर आलीशान घूमने वाला रेस्टोरेंट और आसपास का नजारा देखने के लिए स्पेशल डेक बनाया जाना था, जबकि होटल के सभी कमरों को गेस्ट की सुविधा के अनुसार तैयार करने का प्लान बनाया गया था। लेकिन साल 1989 तक राइजियोंग होटल पूरा नहीं बन पाया था, जबकि नॉर्थ कोरिया में फेस्टिवल का आयोजन हो चुका था। ऐसे में नॉर्थ कोरिया की सरकार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मीडिया को बयान दिया कि तकनीकी खराबी की वजह से होटल के काम को बीच में रोकना पड़ा था, जिसकी वजह से होटल तय समय पर तैयार नहीं हो पाया। इसके बाद नॉर्थ कोरिया के शासक ने होटल की ओपनिंग डेट को आगे बढ़ा दिया और जनता को बताया कि साल 1992 तक ये आलीशान होटल बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन 105 मंजिला इमारत को कम संसाधनों के साथ इतनी जल्दी तैयार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी बिल्डिंग बनाने का काम जारी रखा गया था। इसी दौरान साल 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा था। शीत युद्ध में सोवियत संघ का साथ देने की वजह से नॉर्थ कोरिया को अर्थव्यवस्था में तो नुकसान हुआ ही था, इसके साथ ही उसका साथ देने वाला एक साथी देश भी कम हो गया था। राइजियोंग होटल के कंस्ट्रक्शन को बीच में ही रोक दिया गया था, जबकि उसकी लॉन्च डेट को भी स्थगित कर दिया गया था। तब तक होटल का काफी हिस्सा बनकर तैयार हो चुका था, जबकि उसका टॉप हिस्सा और होटल के बाहरी हिस्से में शीशे लगाने का काम बाकी था। लेकिन नॉर्थ कोरिया आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए उसे इस आलीशान होटल को पूरा करने के ख्वाब को बीच में ही छोड़ना पड़ा और नॉर्थ कोरिया के शासकों ने अपना ध्यान देश की प्रगति की तरफ लगाना शुरू कर दिया। पियोंगयांग शहर के बीचों बीच खड़ी इस अधूरी इमारत की वजह से पूरे शहर का नजारा भी खराब हो रहा था, जबकि इस अधूरे होटल को अगले 16 साल तक जस के तस छोड़ दिया गया था। एक वक्त ऐसा भी आया था जब नॉर्थ कोरिया की सरकार ने इस अधूरे होटल को गिराने का फैसला कर लिया था, लेकिन फिर दुनिया भर में अपनी हंसी उड़ाने के डर से नॉर्थ कोरिया को अपना ये फैसला बदलना पड़ा, क्योंकि अगर होटल को अधूरे में ही तोड़ दिया जाता तो इससे पूरे विश्व में ये संदेश फैल जाता कि नॉर्थ कोरिया अपनी काबिलियत पर एक होटल तक खड़ा नहीं कर सकता है। इसके बाद साल 2008 में मिस्र की एक कंपनी ने नॉर्थ कोरिया से हाथ मिलाया और होटल के काम को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन इसके साथ ही कंपनी ने ये शर्त रखी कि राइजियोंग होटल को पूरा बनाने का खर्च उठाने के बदले वो होटल को चलाएगी और उससे प्राप्त होने वाले मुनाफे में से कुछ हिस्सा नॉर्थ कोरिया को दिया जाएगा, जबकि बाकी का हिस्सा कंपनी अपने पास रखेगी। नॉर्थ कोरिया के पास मिस्र की उस कंपनी की शर्त को मान लेने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, लिहाजा नॉर्थ कोरिया ने शर्त मान ली और फिर कंपनी ने होटल बनाने के काम को एक बार फिर से शुरू किया। इस दौरान होटल के बाहरी हिस्से पर कांच के पैनल लगाए गए थे, जबकि उसके टॉप फ्लोर को पूरा बनाकर आलीशान रेस्टोरेंट का रूप दे दिया गया था।
इस तरह साल 2011 तक राइजयोंग होटल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, जिसकी ग्रैंड ओपनिंग नॉर्थ कोरिया के पूर्व शासक किम इल संग के 100वें जन्मदिन के मौके पर साल 2012 में की जानी थी। इस दौरान होटल के इंटीरियर का काम चल रहा था, लेकिन साल 2011 में किम जोंग उन के रूप में नॉर्थ कोरिया को अपना नया शासक मिल गया था। किम जोंग उन ने सत्ता में आते ही कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिसकी वजह से अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच व्यापारिक रिश्तों में दरार आ गई थी। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया में लग्जरी सामान के निर्यात पर भी रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से राइजयोंग होटल के इंटीरियर का काम एक बार फिर से रुक गया था। दरअसल इस होटल के अंदर हर एक कमरे, रेस्टोरेंट और लॉन्च को महंगे सामान से सजाया जाना था, लेकिन अमेरिका के निर्यात पर रोक लगाए जाने के बाद नॉर्थ कोरिया के पास लग्जरी सामान की कमी हो गई थी। नॉर्थ कोरिया के शासक ने होटल की लॉन्च डेट को साल 2013 तक आगे बढ़ा दिया था, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्थ कोरिया वो लग्जरी आइटम्स इकट्ठा ही नहीं कर पाया था जिसकी मदद से होटल के इंटीरियर को पूरा किया जाना था। इस होटल को बना रही मिस्र की कंपनी भी वापस अपने देश लौट गई, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के पास बिल्डिंग को पूरा करने का आखिरी जरिया भी खत्म हो गया था। होटल के कंस्ट्रक्शन को बीच में ही रोक दिया गया था, लेकिन साल 2018 में इस होटल के फ्रंट एरिया में एलईडी स्क्रीन को लगाया गया था ताकि उसमें लाइट शो का आयोजन करके नॉर्थ कोरिया की सरकार कुछ कमाई कर सके। ऐसे में रात के अंधेरे में राइजयोंग होटल पर लाइट शो देखने और विभिन्न कंपनियों के विज्ञापन देखने को मिलते हैं, लेकिन ये होटल अपने उस मकसद को पूरा नहीं कर पाया जिसके लिए इसे बनाने का फैसला किया गया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में राइजयोंग होटल का नाम दर्ज किया गया है, जो दुनिया की सबसे ऊंची लेकिन बिल्कुल खाली और सुनसान इमारत है। इस आलिशान होटल को दुनिया भर के पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने के मकसद से बनाकर तैयार किया जा रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस होटल की किस्मत में कभी पूरा होना लिखा ही नहीं होगा। आज भी ये होटल नॉर्थ कोरिया की जमीन पर जस के तस खड़ा है, जिसमें पिछले कई साल से एक भी गेस्ट नहीं ठहरा है। ये होटल बाहर से दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर से ये उतना ही खाली और सुनसान है। शायद भविष्य में नॉर्थ कोरिया एक बार फिर इस होटल को पूरा करने का काम शुरू करे, लेकिन इसके लिए उसे दूसरे देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को सुधारना होगा। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे अकेला और सुनसान होटल जिसमें आज तक एक भी गेस्ट नहीं ठहर पाया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।